अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमन वलीद और आप देख रहे हैं पार्क टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो पार्ट 3 है कि लाइव टीवी ऐप किस तरह बनाते हैं। तो इसके लिए आपने अपनी वेबसाइट पे आ जाना है और जो आप ऐप बना रहे थे उसे आपने ओपन कर लेना है और वहां से आपको सेक्शन में आ जाना है। सेक्शन में आने के बाद हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे चैनल्स ऐड किए थे कि किस तरह से चैनल्स हम ऐड कर सकते हैं और प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जब अपना पूरा ऐप बना लेंगे तो आप इसको डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं और किस तरह से चेक कर सकते हैं कि सही बना है कि नहीं। तो इसके लिए आपने अपने ऐप को ऐप क्रिएटर 24 पे क्रिएट कर लेना है। जब मुकम्मल हो जाए तो आपको यहाँ पे डाउनलोड ऐप का बटन नज़र आ रहा होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ऐप है उसमें एड्स आएँ तो आप ऐप्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन शो होगा एड फ्री, तो ये ऑफ होगा। आपने इसको ऑन नहीं करना। अगर आप इसे ऑन करेंगे तो आपकी जो ऐप है, आपका जो ऐप है उसके ऊपर एड्स आपको नहीं आएंगे। जो अगला यूज़र है उसको एड्स नहीं आएंगे। तो अगर आप इसे ऑफ रखेंगे तो आपके जो यूज़र्स हैं उनको एड्स शो होंगे। अगर कोई भी लाइव चैनल को ओपन करेंगे सबसे पहले ऐड आएगा, उसको स्किप करेंगे तो फिर ही वो चैनल ओपन होगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं अगर आप अपने ऐप में ऐड लाना चाहते हैं। तो इसे डाउनलोड किस तरह करना है, तो डाउनलोड के लिए आपने ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ जाएगा, आपने इसे डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप इसे QR कोड से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब ये देख सकते हैं डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो जैसे ही डाउनलोड होता है तो फिर मैं आपको रन करके चेक कराता हूँ। जो हमारा ऐप है वो डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए इसे अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मोबाइल ऐप्स को कंप्यूटर में ओपन करके चेक करने के लिए आपको किसी भी इम्यूलेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी इम्यूलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉक्स प्लेयर इम्यूलेटर है उसका यूज़ करने वाला हूँ इस ऐप को ओपन करने के लिए। तो आपने यहाँ से नॉक्स प्लेयर को इंस्टॉल कर लेना है। तो आपने यहाँ से नॉक्स प्लेयर को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली APK पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली नॉक्स प्लेयर में ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप प्लेयर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, LG प्लेयर भी यूज़ कर सकते हैं, नॉक्स प्लेयर भी। तो यहाँ से आपको ओके प्रेस करना है। हमारा जो इम्यूलेटर है वो ओपन हो चुका है। जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पे आपका जो ऐप है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इसको पहले ओपन होने देते हैं, ये कुछ टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट में ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें अपना ऐप इंस्टॉल करके रन करके चेक कर सकते हैं। बहुत से व्यूवर अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो ऐप हमारा ओपन हो चुका है। आपने इस तरह नॉक्स प्लेयर जो इम्यूलेटर है इसको आपने ओपन कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद। अगर आप APK को क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली APK को इंस्टॉल कर लेगा, अदरवाइज़ आपको खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिंपली जहाँ पे आपने APK डाउनलोड किया है वहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये अब आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल ऐप होना शुरू हो गया है। इस तरह करके आप मोबाइल ऐप अपने PC में इंस्टॉल कर सकते हैं, चला सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐप इंस्टॉल किए हैं। मैं इस तरह करके आप
मोबाइल वाले ऐप कंप्यूटर में चला सकते हैं। तो यहाँ से आपको इस ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। अगर वहाँ पे आपको नहीं समझ आ रही तो आपने लॉक स्क्रीन इंस्टॉल करना है, इसे ओपन करना है और जो डाउनलोड किया हुआ है उसको यहाँ पे सिंपली ड्रैग कर देना है, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। या फिर आप थ्री डॉट पे क्लिक करें और यहाँ से APK पे क्लिक करें और इंस्टॉल कर लें। ऐप इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली ये ओपन होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं सबसे पहले ऐप का लोगो आना शुरू हो गया जिस तरह के हमने लगाया था, और ये मैसेज भी आना, वेलकम मैसेज भी आ गया, एंजॉय ओवर 1000+ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ चैनल्स। अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार ऐप ओपन करें तो ये आपको बार बार शो ना हो तो आप इसको क्लिक लगा के ओके कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इस तरह ही सिंपली ओके कर दें। तो मैंने सिर्फ एक ही चैनल ऐड किया था, तो यहाँ पे एक ही चैनल आ रहा है और ये ऊपर कुछ बटन्स हैं जो कि मैंने ऐड किए थे, एग्जिट, नोटिफिकेशन, शेयर, और यहाँ पे आपको स्लाइड मेन्यू नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऐप का आइकन भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़, ये प्ले लिस्ट का है, नीचे एक चैनल है, प्ले लिस्ट में जाएंगे तब भी यहाँ पे एक ही चैनल आएगा क्योंकि मैंने ऐड ही एक चैनल किया है। तो ये आप देख सकते हैं लाइव टीवी चलने शुरू हो गया है। तो इस तरह करके आप अपने यहाँ पे ऐप बना सकते हैं अपने लाइव टीवी चैनल का, और यहाँ से आप अपने चैनल्स को ऐड कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। इस तरह आप फ्री में लाइव टीवी एप्लीकेशन यहाँ से बना सकते हैं और बिल्कुल फ्री है, और आप यहाँ पे जितने चैनल्स ऐड करना चाहें अपने आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें यह है फ़ायदा होता है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया चैनल किस तरह ऐड करते हैं, दोबारा बताता हूँ। आप यहाँ पे क्रिएट सेक्शन में जाना है, जैसे ही आप क्रिएट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आप ऑप्शन शो हो जाएंगे, यहाँ से अपने वीडियो पे जाना है। अगर आप वीडियो ऐड, आपने यहाँ पे वीडियो क्लिक करना है अगर आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं, अगर आप प्ले लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आपने सब मेन्यू पे ऐड क्लिक करना है। तो वीडियो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जिस चैनल का आप लिंक पेस्ट कर रहे हैं उसका आपने नेम टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे उसका लिंक पेस्ट करना है। लिंक पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको EXO प्लेयर आपको सिलेक्ट करना है, मीडिया प्लेयर में जाके स्टार्ट इन फुल स्क्रीन पे क्लिक करना है, और अगर आप लैंडस्केप ऐप बना रहे हैं तो यस कर सकते हैं कि आपका ऐप लैंडस्केप ही ऑन हो, पोर्ट्रेट ऑन ना हो। उसके बाद आपने एडवांस सेकंड पे आ जाना है, एडवांस सेकंड पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपने जो भी चैनल आपने ऊपर इसका लिंक डाला है, लिंक टाइप किया है, जो चैनल आप ऐड कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको लोगो सेलेक्ट कर लेना है डाउनलोड करने के बाद, और यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो इस तरह करके आप यहाँ पे चैनल्स ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने जगह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।